आज के कलयुग में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बुराई करते हुए पांडित बनने का नाटक करते हैं। इसके बारे में गौतम बुद्ध ने कुछ इस प्रकार कहा है, जानने के लिए कहानी मान तक जरूर बने रहे। श्रावस्ती के दो युवक बड़े ही गहरे मित्र थे। दोनों ही लोगों के जेब काटने का धंधा करते थे। उस समय भगवान बुद्ध का एक स्थान पर प्रवचन चल रहा था। अच्छा अवसर जानकर दोनों मित्र वहीं जा पहुंचे और दोनों भगवान बुद्ध के प्रवचन में चल पड़े। वहां जाकर उनमें से एक मित्र भगवान बुद्ध के प्रवचन में मग्न हो गया और ध्यान होकर सुनने लगा, तथा दूसरे ने इस बीच कई लोगों के जेब काट डाली। शाम को दोनों जब घर पहुंचे तो एक के पास बहुत ज्यादा धन था और एक के पास सिर्फ अफसोस कि मैं पहले क्या कर रहा था। उसके मन में सिर्फ शुद्ध विचार आ रहे थे। एक दिन दोनों मित्र फिर दोबारा मिले और बोला, चल फिर जेब काटते हैं। एक मित्र ने साफ मना कर दिया कि मैं यह काम अब नहीं कर पाऊंगा। अपने मित्र की बातें सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। थोड़ी देर शांत रहा और बोला, तू तो बड़ा मूर्ख है जो दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया। अब इस पांडित्य का ही भोजन पका और पेट भर। अपने पूर्व कर्मों से दुखी होकर दूसरा दोस्त दोबारा बुद्ध के पास गया और उनसे सब हाल कहा। बुद्ध ने कहा, वत्स, जो अपनी बुराइयों को समझकर उन्हें निकालने का प्रयत्न करता है वही सच्चा पंडित होता है, और जो बुराइयों को करते ही पंडित बनता है उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप बुराइयों के रास्ते पर चल रहे हो तो कभी भी अपने आप को अच्छा मत बोलो, बल्कि अपने दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों की ओर कदम रखो, क्योंकि जो अपने बुराइयों को अपने दुर्गुणों को समझकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है वही आगे बढ़कर एक सच्चा और आत्मविश्वासी मनुष्य कहलाता है। आगे चलकर वो एक अच्छी जीवन भी व्यतीत करता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।